तो एडवेंचर के बैठ रही हूँ अब लोगे हेयर स्पा। वैसे स्कैल्प पे कुछ फील नहीं हो रहा, ठीक है। और ये दोनों बदमाशी कर रहे हैं मेरे साथ। ट्राइपॉड जो हम खरीद रहे हैं अभी। मैं कहीं से घूम के और बीमार ना पड़ूं, हो नहीं सकता ऐसा, बता नहीं। सॉरी, नेपाल से जब से आए ना तब से तबीयत बहुत गड़बड़ है। आई मीन खांसी, ड्राई कॉफ इज लाइक अ कॉन्स्टेंट, एंड देन फीवर भी आ गया। उसके बाद बॉडी एक तो खैर बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल दिमाग नहीं लग रहा। वीडियोज भी लेट आएंगे बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। अभी मुझे पूरा एक हफ्ता हो गया आई हूँ, तो आई वॉज ओके। उसके बाद हम गए, घूमा फिरा थोड़ा बहुत, बच्चों को शॉपिंग कराया, खुद को पैम्पर किया, थोड़ा ब्रेक लिया, मी टाइम एंड ऑल। एंड देन जब मैं पड़ी हूँ ना भाई, ये जो गला है ना, ये इतना ज़्यादा पेन कर रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बिकॉज कॉन्स्टेंट कफिंग एंड इट्स ड्राई कफ। एक चीज़ तो कॉन्स्टेंट है, मैं कभी भी किसी धाम पर जाऊँ ना, किसी भी अच्छे मंदिर में, सिद्ध जगह है, मेरी तबीयत जरूर ख़राब होती है। और अक्सर लोग यही कहते हैं कि कर्म कटते हैं, अगर आपको कष्ट हो रहा है ना तो कर्म कट रहे हैं। तो बस मैं इसको भी एज अ पॉजिटिव वे लेती हूँ, सॉरी ये शायद कर्म कट रहा है, बट ठीक है, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर अ रीज़न। गाड़ी ख़राब हो गई, टोकर भी गई है अभी, तो उस दिन से मेरी तबीयत तो ज़्यादा ख़राब हो गई। एज इफ आई एम सो मच कनेक्टेड टू XUV, बट उसके पहले भी थी खराब, बट उस दिन से पता नहीं कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। सर में दर्द, फीवर, बॉडी पेन, गला ख़राब, कम्प्लीटली बैंड। बट ठीक है, फैमिली है, सब लोग हैं, तो पता नहीं चल रहा। बट यार अभी बहुत बॉडी पेन है, मेरा बोलने तक का मन नहीं कर रहा, बट स्टिल चलो फिर थोड़ा बेटर फील करोगे ना तो आई विल शूट। और ये देखो, ये भाभी ने बनाया है, मम्मी ने मिल गए, गाजर का हलवा, आलू की सब्ज़ी, गाजर का हलवा, आलू की सब्ज़ी, पकौड़े, पराठे, कि मैं कुछ खाऊं, बिकॉज मैं मुंह का टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। जो मुंह का टेस्ट है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो वो मुझे ऑप्शंस दे रहे कि इनमें से कुछ तो अच्छा लगेगा तुमको, बट लेट्स सी। ये देखो थोड़ी धूप निकली है, तो आज हिम्मत करके नहाऊंगी मैं। और छत पे जैसे ही आई तो राम जी की स्थापना की सेलिब्रेशन हो रही है। अयोध्या में आज के दिन रामलला का मूर्ति स्थापना हुआ है उनकी स्थान पे, और हमारे गांव में आ गया सुन पापा, देखो देखो पापा देखिए, सुन देखो पापा सुन पापा देखिए पापा वाह उधर उधर पापा है देखिए पापा देखिए फुटेज लाइव फीड में से निकाला फॉर मेमोरी पर्पस। मैं चाहती हूँ कि ये जो हिस्टोरिकल
दिन है, इसको मैं अपने ब्लॉग में हमेशा हमेशा के लिए रख दूँ, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन होंगे वो ये देख पाएंगे कि 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने स्थान पर वापस आ गए थे. और लिटरली इट्स अ वेरी प्राउड डे फॉर एवरी वन ऑफ अस, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है. प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का भव्य मूर्त, जो कि बाल स्वरूप है लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर. बोलो सियापति रामचंद्र की जय. Karuna.
चंद्रम शरणम प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, राघव रूप में माँ कौशल्या के राघव, वही नाम जो माँ कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त आप 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि निश्चित तौर से, और इन्हीं को वर्णन किया गया है कि नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुलम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरत सुंदरम पटपीट मानव तड़ित रुचि सुचि।